बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश्रहली सद्री व यस्सिरली अमरी वहलुल उक्ततम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को दूर फरमाए, आपकी तमाम जायज़ हाजात जो भी आप लिखते हैं कमेंट्स में, अल्लाह पाक उन सब की सब हाजात को पूरा फरमाए। और जो जिक्र करते हैं अपनी परेशानियों का, तो अल्लाह पाक से खसूसी दुआ है कि उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। जिस जिस वजह से भी वो परेशान है, अल्लाह पाक उनको उस परेशानी से निकाल दे, आमीन। व्यूअर्स, आप लोगों की डिमांड पर, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज का वजीफा जो मैं बना रही हूँ वो शादी के हवाले से है। अब इसमें शादी के हवाले से जो मैं वजीफा आपको दे रही हूँ, ये इस तरह का है मकसद कि या तो आप अपनी पसंद से शादी करना चाहते हैं या कोई रिश्ता ही नहीं है, ठीक है, रिश्ते नहीं आ रहे। क्योंकि जब शादी का नाम लिया जाता है तो उसमें सारे मसले देखे जाते हैं, सारे प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं, हर चीज़ की तरफ ध्यान दिया जाता है कि क्या मसला हो सकता है। तो वो एक वजीफ़ा उस सारे मसाइल को कवर करता है। अब जैसे कि रिश्ते नहीं आ रहे और आप चाहते हैं कि रिश्ता आए और अच्छी जगह से आए और आपका वहाँ पे रिश्ता हो जाए। कई लोगों की ख्वाहिश है किसी खास जगह पर शादी करना, और कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी शादी तो तय हो चुकी है लेकिन रुकावटें बहुत। एक मेरी बहन का कमिट था कि शादी तो हमारी तय हुई हुई है लेकिन कोई ऐसा वजीफा दे दे कि जहेज वगैरह का मामला जो है वो सही तरीके से अंजाम पा जाए, कि उसके लिए माल की कमी है। तो कोई कमी ना, मतलब जो भी उनका मसला था उन्होंने अपना शेयर किया कि वजीफ़ा मांगा कि कोई प्रॉब्लम ना आए और सही तरीके से खुश उसलूबी के साथ उनका ये जो शादी का पीरियड है ये गुजर जाए, और कोई तो ये भी इस वजीफे से कवर हो जाएगा। वो ये वजीफा करे अल्लाह का नाम लेके, इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई बंदिश नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, और नहायत ही खैरियत के साथ उनकी शादी जो है वो अपने टाइम पर अंजाम पा जाएगी और बाद में भी उनकी ज़िंदगी में आसानियां रहेंगी इंशाल्लाह। क्योंकि अल्लाह के जिक्र में बहुत ताकत होती है और उसको सिर्फ और सिर्फ यकीन के साथ अगर किया जाए तो कामयाबी लाजमी मुकद्दर बन। तो आज का वजीफ़ा शादी के हवाले से है। आपका जो भी प्रॉब्लम है शादी को लेकर, आपका जो भी आपकी ख्वाहिश है शादी को लेकर, उस हवाले से आप इस वजीफे को पूरे यकीन के साथ कर ले तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर बरकत कर देगा। आपने इस अमल को इशा की नमाज के बाद ही करना है। इसका टाइम जो है वो इशा के बाद का दिया गया है ताकि नहायत ही खामोशी के साथ पुरसकून जगह पर बैठकर आप इस अमल को करें ताकि कोई डिस्टर्ब ना करें। बाकी आप देख लें आपको कैसे आसानी है, लेकिन टाइम इशा की नमाज के बाद है, अब पूरी रात है आपके पास। जिस टाइम आपको मौका मिले आप इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप इशा की नमाज़ जल्दी पढ़ लेते हैं, 8 बजे पढ़ लेते हैं, आजकल तो अजान भी जल्दी हो रही है, तो आप अपने अपने टाइम के मुताबिक इस अमल को लेट नाइट करना चाहें तो लेट नाइट भी कर सकते हैं। आप सबसे पहले बावजू हो जाए, पाकी की हालत में यह अमल होगा, बावजू हो जाए और उसके बाद फिर आप अपने मकसद की दुआ कर ले, नियत कर ले, जाए नमाज बिछा कर उस पर बैठ जाए और फिर आप दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो पढ़ लें, या जो भी दुरूद शरीफ आप पढ़ना चाहें जो आपको आसान लगता है वो पढ़ लें। उसके बाद 11 मरतबा आपने पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने अल्लाह ताला का एक नाम या मोगनी, ये अल्लाह का नाम है या मोगनी, और इसके साथ ये लिखा हुआ है कि अल्लाह के इस इस्म मुबारक को वज़ाइफ़ की दुनिया में बहुत ज़्यादा पावरफुल माना जाता है, और अल्लाह के इस इस्म को पढ़कर अपने रब से जो भी मांगा जाता है वो ज़रूर मिलता है। तो इस वजीफे को आप पूरे यकीन के साथ, पूरी तवज्जो के साथ करें, इंशाल्लाह आपका मकसद शादी के हवाले से जो भी होगा वो ज़रूर पूरा होगा। अगर रकम का इंतज़ाम नहीं हो रहा तो वो भी हो जाएगा। अब 11 तस्बीहां आपने अल्लाह के इस इस्म या मोगनी या मोगनियों इस तरह पढ़ लेनी है, और 11 तस्बीहां पढ़ने के बाद फिर अपने मकसद की आप सही तरीके से दुआ कीजिए और फिर उसके बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें।
जौन सा शुरू में पढ़ा था वही लास्ट पर पढ़ें और इस तरह से आपका ये अमल जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन इस अमल को बगैर नागा किए 11 दिन तक पढ़ें, नागा नहीं आना चाहिए बीच में, 11 दिन लगातार पढ़ें, इंशाल्लाह आप अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे।